दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का आज सातवां दिन है। कल बंद के दौरान हुई हिंसा में हालात बेहद बिगड़ गए थे। हिंसा में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी जबकि 36 पुलिसकर्मी घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के पीछे गहरी साजिश बताया है। कब तक जलता रहेगा दार्जिलिंग? किसने की दार्जिलिंग को जलाने की साजिश? दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग के पक्ष में शुरू हुआ आंदोलन आज सातवें दिन भी जारी है। कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के छठे दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी जबकि 36 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक कमांडेंट शहीद हुए। शांति बहाली के लिए आर्मी ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस की 2 लोगों की खुखरी से इंजरी करी गई, शार्प कटिंग वेपन से इंजरी किया गया है और बाकी लोग यहाँ पर एडमिटेड है। पुलिस ने कई सारे टीयर गैस सेल फायर करे हुए हैं और लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई है और इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। ममता ने कल कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संबंध पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों से हैं और उन उग्रवादियों से मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। एक दिन में इतना बुमा नहीं आया, इतना बॉम्ब नहीं आया, इतना आर्म्स नहीं आया, एक बहुत दिन से जमा हुआ। और हमारे इधर में बहुत सारे बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर से भी आए हुए हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी ली है। केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग हिंसा पर ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी को हर बात में साजिश नजर आती है। देखिए, पहाड़ में आग लगाया ममता बनर्जी, आग बुझाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। दिन प्रतिदिन पहाड़ का स्थिति खराब हो रहा है। वहीं विमल गुरंग ने पुलिस पर समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया है और अलग राज्य की मांग में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।